हाय फ्रेंड्स, नेचर्स बाय गोपीनाथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सॉल्ट मिक्सिंग। ये वाला सॉल्ट नहीं, जो मेरिन के लिए स्पेशल सॉल्ट आता है वो वाला सॉल्ट। रीफ के लिए कौन सा सॉल्ट अच्छा रहता है, फिश ओनली के लिए कौन सा सॉल्ट अच्छा रहता है एंड आप कैसे सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ आपको वीडियो को एंड तक देखना है एंड सब्सक्राइब भी कर देना है। आपका एक सपोर्ट से मुझे न्यू वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब के साथ बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जैसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्ट वाटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बॉकेट की ज़रूरत होगी। मैं 60 से 80 लीटर वाटर चेंज करता हूँ, इसीलिए मैंने 100 लीटर का बॉकेट लिया है। हमेशा अच्छे ब्रांड का ही बॉकेट यूज़ करें। नेक्स्ट हमें चाहिए पानी। वाटर का TDS जितना कम हो उतना अच्छा। 0 TDS के लिए आप रिवर्स ऑस्मोसिस DNS मीन्स RODI फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो अभी RODI यूनिट नहीं है, इसीलिए मैं 20 लीटर जार का यूज़ करता हूँ। ये जो मैं 20 लीटर जार यूज़ कर रहा हूँ, इसका TDS 27 है। 0 तो नहीं है, बट हमारा जो घर का पानी है उससे तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सॉल्ट। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड का और अलग अलग साइज में सॉल्ट मिलता है। आपको जो सॉल्ट अच्छा लगता है, हाँ ये मेरे टैंक के लिए सही होगा, आप ज़रूर उसको यूज़ कर सकते हैं। हर ब्रांड अपने अपने हिसाब से अच्छे ही होते हैं। मैं हमेशा जो 22-25 केजी का बॉकेट आता है उसे यूज़ करता हूँ। कंपेरेटिवली पर केजी का अगर आप हिसाब लगाएं, छोटे बॉकेट या पैकेट से प्राइस कम ही आता है। मैं आज तक 3 ब्रांड का सॉल्ट यूज़ किया हूँ। फर्स्ट इंस्टेंट ओशन, सेकेंड रेड सी कोरल प्रो, थर्ड क्वांटम मिक्स माइक्रो प्रोबायोटिक सॉल्ट। तीनों ब्रांड अच्छे हैं, बट रीफ के लिए कौन सा सॉल्ट अच्छा है एंड फिश ओनली के लिए कौन सा सॉल्ट अच्छा है मैं आपको आगे बोलूँगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कौन सा सॉल्ट में कितना कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्केलिनिटी वगैरह रहता है, तभी तो हम जान पाएंगे कौन सा सॉल्ट किस टाइप के सेटअप के लिए बेस्ट होगा। पहले हम जान लेते हैं इंस्टेंट ओशन के बारे में। इंस्टेंट ओशन के बहुत सारे टाइप्स का सॉल्ट आता है, जैसे कि रीफ क्रिस्टल रीफ सॉल्ट, इंस्टेंट ओशन सी सॉल्ट वगैरह। मैं इंस्टेंट ओशन का ये वाला सॉल्ट यूज़ किया हूँ, मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो सॉल्ट में बहुत सारे चीज़ मिले हुए होते हैं, मगर जो 4-5 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट अल्कलिनिटी 3.0 to 4.0, कैल्शियम 3.49 to 3.92, मैग्नीशियम 1.150 to 1.310। अब आता है रेड सी। रेड सी का दो टाइप्स का सॉल्ट आता है, एक तो है रेड सी सॉल्ट एंड दूसरा है कोरल प्रो सॉल्ट। मैं रेड सी का कोरल प्रो सॉल्ट यूज़ किया हूँ, ये खास करके रीफ के लिए है। अलग अलग सैलिनिटी में अलग अलग पैरामीटर्स रहता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 1.025 सैलिनिटी में इसका pH 8.2 to 8.4, एल्केलिनिटी 12.3 to 12.7, कैल्शियम 4.55 to 4.75, मैग्नीशियम 1.360 to 1.420 रहता है। लास्ट में क्वांटम माइक्रो प्रोबायोटिक सॉल्ट, ये ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है। इसका 4 टाइप का सॉल्ट आता है, जैसे कि प्लॉलोर माइक्रो प्रोबायोटिक सॉल्ट, मिक्स माइक्रो प्रोबायोटिक सॉल्ट, नेक्स्ट LPS माइक्रो प्रोबायोटिक सॉल्ट, लास्ट में SPS माइक्रो प्रोबायोटिक सॉल्ट। इसमें से मैं अभी मिक्स सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। 1.025 सैलिनिटी में कैल्शियम 430, एल्केलिनिटी 8, मैग्नीशियम 1.295 एंड पोटेशियम 390 रहता है। अब आते हैं रीफ के लिए कौन सा सॉल्ट बेस्ट होगा। इसमें से रेड सी कोरल प्रो रीफ के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्केलिनिटी वगैरह ज़्यादा रहता है, जो कि रीफ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ये सॉल्ट यूज़ करने से एक हद तक आपको डोजिंग की ज़रूरत नहीं होगी। जब मेरा रीफ सेटअप था उस टाइम में ये सॉल्ट यूज़ किया था एंड मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। एंड एक चीज़, इंडिया में बहुत सारे एरिया में रेड सी का डुप्लीकेट सॉल्ट मिलता है, इसीलिए आप इससे थोड़ा बच के रहें। नेक्स्ट फिश ओनली सिस्टम, इसके लिए मैं आपको क्वांटम मिक्स प्रोबायोटिक सॉल्ट सजेस्ट करूँगा। आप इसको रीफ में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कभी भी रीफ में इसको यूज़ नहीं किया हूँ, इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। बट फिश ओनली या एनिमल वगैरह हैं तो ये सॉल्ट बेस्ट है, क्योंकि एक तो इसमें माइक्रो प्रोबायोटिक है एंड इसका प्राइस भी रेड सी एंड इंस्टेंट ओशन से कम है। एक्वा फॉरेस्ट का ही प्रोबायोटिक सॉल्ट आता है, बट उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड इसका और एक खासियत है, ये पानी में पूरा मिक्स हो जाता है। बॉकेट वाटर एंड सॉल्ट तो हो गया, अब चाहिए एक मेजरमेंट मशीन या कप।
मैं 30 लीटर वाटर में क्वांटम मिक्स प्रोबायोटिक सॉल्ट का 1150 ग्राम मिक्स करता हूँ। वाटर में सॉल्ट मिक्स करने के लिए कोई भी एक वेब मेकर या सस्ता वाला पंप का यूज कर सकते हैं। आफ्टर 24 आवर आपका पानी रेडी है। वाटर चेंज करने से पहले जरूर एक बार टैंक का एंड आपने जो सॉल्ट वाटर बनाया है दोनों का सैलिनिटी चेक कर लें। सैलिनिटी चेक करने के लिए आप रिफ्लक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। ये सबसे डिजिटल रिफ्लक्टोमीटर ज़्यादा करेक्ट रीडिंग देता है। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप सॉल्ट मिक्स तैयार कर रहे होंगे वाटर का टेम्परेचर कम रहना चाहिए, नहीं तो ये जो मैं पैरामीटर्स आपको बोला वो चेंज हो सकता है। मैं भी जब न्यू सेटअप स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी मेरा मन में सॉल्ट के बारे में बहुत सारा डाउट्स था, कौन सा सॉल्ट लूँ ना लूँ वगैरह वगैरह। उस टाइम यूट्यूब में इतना सारा वीडियोस नहीं था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं सीखा था, मगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको अभी पता चल गया होगा किस टाइप के सेटअप के लिए कौन सा सॉल्ट यूज करना है। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरेन रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो राइट साइड के ऊपर में प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। मेरेन एक्वेरियम क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस का वीडियो अगर आपको देखना है तो राइट साइड का नीचे वाला वीडियो बड़ा काम का है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिना कहे कर देना, नहीं तो मिलते हैं कभी ना कभी स्क्रोल करते वक्त।